मुरैना में जिला अस्पताल में मरीजों को जेल के बंदियों की तरह खाना बांटा जाता है। इसको देखते हुए शहर की महिला समाज सेवियों ने आगे बढ़ते हुए मरीजों के खाने के लिए थालियां भेंट की और कहा कि मरीजों को थालियों में खाना परोस कर ही दिया जाए। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में भर्ती मरीज व घायलों को सुबह शाम खाना मिलता है। खाने का नियम यह है कि वार्ड के पलंग पर ही थाली में परोसकर मरीज को पूरे आदर के साथ खाना परोसा जाएगा, लेकिन मुरैना जिला अस्पताल में घायल व मरीजों को जिस बेकदरी से खाना दिया जा रहा है, उस तरह तो पुराने जमाने में जेल में बंद कैदियों को दिया जाता था। इसे लेकर शिकायतें हुई तो अस्पताल प्रबंधन ने खाना वितरण की व्यवस्था में बस इतना सुधार किया कि मरीज व घायलों की लाइन लगवाना बंद कर दिया, लेकिन हाथ में खाना देना जारी रखा। यह समस्या कीटी ग्रुप मुरैना की टीम को अच्छी नहीं लगी और मरीजों की सहूलियत के लिए समाज सेवी निशा गुप्ता, शशि अग्रवाल, किरण गोयल, ममता अग्रवाल और मनीषा अग्रवाल ने शुक्रवार को सीएमएचओ ऑफिस पहुंचकर सीएमएचओ डॉक्टर राकेश गुप्ता को 200 थालियां भेंट करते हुए कहा कि इन थालियों का उपयोग मरीजों को खाना खिलाने में किया जाए। महिला समाज सेवियों ने कहा है कि मरीजों को उनके पलंग पर ही खाना मिले, जिससे उन्हें स्वस्थ होने में भी मदद मिलेगी। ये हमारे साथी डॉक्टर अंकुर गुप्ता, उनकी मम्मी और उनके साथियों के द्वारा, महिला मंडल के द्वारा अस्पताल को 200 प्लेट दान की जा रही हैं, जिसकी बहुत कमी थी। जैसे आपने देखा होगा कि मरीजों को कई बार अपनी प्लेट ला के खाना लेना पड़ता है, तो इससे बहुत अच्छा होगा और मैं इनका धन्यवाद अर्पित करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। किस ग्रुप के द्वारा ये प्लेट दान की गई, कितनी प्लेट दान की गई? ये 200 प्लेट दान की गई है किटी ग्रुप के द्वारा। दान 200 प्लेटों का हमारा मन हुआ। मरीजों की हमने न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देखी तो लगा कि वहाँ ज़रूरत है, हमने 200 प्लेट मंगा कर सबको सौंप दिए हैं। किस ग्रुप के द्वारा दान की गई? ये हमारा किटी ग्रुप है, इसका नाम है खट्टी मीठी सहेलियाँ। किनको दान की गई है आज ये प्लेट, किसके लिए? जी मरीजों के लिए, जो मरीजों को हाथ में खाना दे रहे थे ना, वही न्यूज़ हमने पढ़कर और हमें थोड़ी सी प्रेरणा मिली कि चलो कुछ करना चाहिए। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।